हे गाइस, वेलकम बैक टू मिश्रा टॉक्स। और आज हम कंपेयर करने वाले हैं लेनोवो के आइडियापैड 3 को एचपी के बेनाम लैपटॉप के साथ। मतलब उसका कोई नाम नहीं है, बस स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं इधर आ जाता हूँ और कंप्यूटर स्क्रीन को इधर लगा देते हैं। तो ये है लेनोवो का आइडियापैड गेमिंग 3 और ये है एचपी का i5, मतलब बेनाम वाला है, बस इसका स्पेसिफिकेशन लिख दिया है। आइए फोटो वोटो पहले देख लिया जाए, उसके बाद फिर देखेंगे कि स्पेसिफिकेशन क्या है और कौन बेटर है। तो फोटो में तो लेनोवो वाला है, ये तो प्लास्टिक बॉडी लग रही है और एचपी वाला मेरे हिसाब से प्लास्टिक है, मेटल बॉडी है, समझ नहीं आ रहा है। तो मेटल हो तो बेटर है। प्रोसेसर पे आ जाए तो इंटेल का i5 प्रोसेसर लगा है, 12th जनरेशन एचपी वाले लैपटॉप में। और SSD भी है 512 GB का और रैम 16 GB है। ये तो हो गई कुछ स्पेसिफिकेशन इसकी। और लेनोवो वाले में की बात करें तो इसमें प्रोसेसर जो हमें देखने को मिल रहा है वो कोर i5 इंटेल का 11th जनरेशन है, उसमें 12th जनरेशन था। और 512 GB की SSD यहाँ पे भी हम लोग को देखने को मिल जा रही है। रैम यहाँ 8 GB है, 16 GB नहीं है, जैसा कि हम लोग HP वाले में देख रहे थे। और तो कुछ इतनी खास बात करने के लिए है नहीं। ये ग्राफिक मेमोरी कैपेसिटी 4 GB इसमें दिया हुआ है, जो कि उसमें स्पेसिफाई ही नहीं किया है। विंडोज 10 के साथ आ रहा है लेनोवो आइडियापैड। और विंडोज़ के साथ आ रहा है, विंडोज़ 11 के साथ आ रहा है हमारा HP का 64-bit विंडोज़ 11 के साथ आ रहा है हमारा HP वाला लैपटॉप। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं डिस्प्ले और ऑडियो की। तो टच स्क्रीन नहीं है, टच स्क्रीन मेरे हिसाब से HP वाला भी नहीं ही होगा। टच स्क्रीन नहीं है। स्क्रीन साइज 14 इंच की स्क्रीन साइज छोटा स्क्रीन है HP वाले लैपटॉप का, वहीं 15.6 इंच का है हमारा दूसरा वाला लैपटॉप लेनोवो आइडियापैड 3। लेकिन मेरे हिसाब से आपको छोटी स्क्रीन, अगर आप मैंने कॉलेज में पढ़ रहे हैं या स्कूल में तो नहीं, कॉलेज में ही पढ़ते वक्त अगर आप ले रहे हैं तो छोटी स्क्रीन 14 इंच वाले, क्योंकि वो बेटर रहता है। मैंने आप आराम से बैग में भर लिए, भर के कॉलेज ले गए, अपना पढ़ाई लिखाई जो भी करना है किए हुए सब ठीक ठाक हो गया। अब बड़ा हो जाता है ना, बहुत भारी हो जाता है। अब भारी हो जाता है, भारी लैपटॉप लेके जाना बहुत समस्या होता है, इसलिए छोटा लैपटॉप ही सही है मेरे हिसाब से। तो स्क्रीन साइज छोटा ही रहे तो बेटर। फिर उसके बाद रेजोल्यूशन की बात कर लेते हैं, 1920x1080 पिक्सल का यहाँ हम लोग को देखने को मिल रहा है दोनों में। और आगे बात कर लेते हैं एडिशनल फीचर्स के बारे में। तो डिस्क ड्राइवर अवेलेबल नहीं है, वेबकैम है 720p का, ये HP वाले लैपटॉप की बात हो रही है। और यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाएगा कीबोर्ड, अच्छा बैकलाइट भी देखने को मिल जा रही है कीबोर्ड में। और HP का है ठीक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाएगा है। और 41W का लिथियम आयन बैटरी, अच्छा सपोर्ट चार्जर भी मिल जा रहा है हम लोग को। वारंटी 1 साल की मिल रही है। तो बात कर लेते हैं लेनोवो वाले में क्या क्या हम लोग को एडिशनल फीचर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी डिस्क ड्राइव अवेलेबल नहीं है, वेबकैम 720p का है जैसा कि उसमें था। और फिंगरप्रिंट सेंसर की बात की जाए तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसमें भी नहीं है। और कीबोर्ड में बैकलाइट दोनों में है। और एडिशनल फीचर 45W बस लिखा है, और कुछ लिखा ही नहीं, पता क्या चले जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसी खास डिस्कस करने वाली बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से फीचर्स के मामले में तो HP वाला लैपटॉप ही बेटर है। और प्राइस के मामले में अगर देख लिया जाए तो HP वाला लैपटॉप का प्राइस पड़ रहा है आपको 58,890, और वहीं 58,990 रुपीज़ में लेनोवो आइडियापैड 3 मिला है। तो मेरे हिसाब से तो HP वाला लैपटॉप ही बेटर है। नाम दोनों का ही, दोनों कंपनी अच्छी हैं, दोनों का नाम भी है, HP का भी नाम है और लेनोवो का भी नाम है। लेकिन मुझे HP वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा आप देख सकते हैं ज़्यादा आपको यहाँ पे स्पेसिफिकेशन मिल जा रही है। 16 GB मिल जा रहा है रैम, वहाँ आपको 16 GB नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 12th जनरेशन i5 मिल जा रहा है, वहाँ पे आपको 11th जनरेशन नहीं मिल रहा है i5 ही है तो क्या सही। और SSD 512 दोनों में है। तो और थिन, सबसे बड़ी बात है थिन और लाइट वेट, ये बहुत समस्या होता है। आप जब कॉलेज वगैरह में जाएंगे, हैवी लैपटॉप लेके जाएंगे, बहुत समस्या होता है, इसलिए थिन और लाइट वेट। तो मेरे हिसाब से फाइनल वर्डिक्ट तो यही है कि आपको HP वाले लैपटॉप के साथ जाना चाहिए। आप इसको खरीदने का लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, क्योंकि अभी मैंने इसका एफिलिएट लिंक वगैरह जनरेट तो किया नहीं है। अगर आप खरीदना चाहिए फ्लिपकार्ट पर खरीद लीजिए, और हो सकता है कि अभी दशहरा दिवाली पे जो बिग बिलियन डे आएगा उस पर और सस्ता हो जाए। तो ये था आज का वीडियो, जहां हम लोगों ने कंपेयर किया HP के एक बेनाम लैपटॉप को लेनोवो आइडियापैड 3 के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।